नमस्कार साथियों, मैं हूं गोवर्धन दास और आज आपके लिए लेकर आया हूं हिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड के लिए टेस्ट पेपर। टॉपिक का नाम है दोस्तों मराठा साम्राज्य। आपको जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, सेल्फ एवोल्यूशन करने के लिए ये मैं लेके आ रहा हूं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? ठीक है, तो ये मैंने शिवाजी के अष्ट प्रधान जो है उसका मैंने उल्लेख यहाँ पे किया है। दोस्तों बता दूं कि अष्ट प्रधान होते हैं शिवाजी के प्रशासन में, और अष्ट दिग्गज थे कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के कृष्णदेवराय के राज्यसभा में अष्ट दिग्गज थे, और अष्ट छाप मंडली भक्ति आंदोलन में दोस्तों विट्ठलदास जी के जो आठ शिष्य थे गोस्वामी थे उनको अष्ट छाप मंडली कहा जाता है। तो उनमें से अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये है अष्ट प्रधान शिवाजी के, सुमंत दबीर सही है, सूर्य नवीस या वाक्याय नवीस राजा का पत्र व्यवहार करता था, गृह मंत्री होता था, पेशवा प्रधानमंत्री होता था, जबकि पंडित राव दोस्तों ये पंडित होता था, ठीक है, ये पाकशाला का प्रबंधक नहीं होता था। तो सही जवाब है डी। मराठा का प्रशासन में सर ए नौबत किसे कहा जाता था? वित्त मंत्री, किले का स्वामी, सेनापति या विदेश मंत्री? सही जवाब सी, सेनापति। शिवाजी की सैन्य व्यवस्था में राज्य की ओर से वेतन तथा अग्रिम पाने वाले को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इसमें घुड़सवार दो होते थे, एक तो सिलेगार होते थे और एक होते थे बरगीर। तो दोस्तों बरगीर को राज्य की ओर से वेतन और ये दिया जाता, तो सही जवाब है दोस्तों बरगीर, ठीक है। और सिलेदार वे सैनिक घुड़सवार होते थे जिन जो स्वयं ही घोड़े और सैन्य सामान लाते थे। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था किस पर आधारित थी? सही जवाब है दोस्तों रैयतवाड़ी प्रथा पर। ये मलिक अंबर, अहमदनगर का एक मलिक अंबर था अमीर वजीर, उससे शिवाजी ने रैयतवाड़ी प्रथा ली थी और जमींदारी प्रथा पर उन्होंने समाप्त कर दिया था, जबकि मराठों ने, जबकि ये जो पेशवा थे उन्होंने शिवाजी की रैयतवाड़ी प्रथा को बंद करके जमींदारी व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया था। शिवाजी की सैन्य व्यवस्था का आरोही क्रम क्या है? सही जवाब है दोस्तों अ, नायक, हवालदार, जुमालदार, हजारी, पंच हजारी और लास्ट में आता था सर ए नौबत। मतलब दोस्तों सेना के प्रधान को सर ए नौबत कहा जाता था और नौसेना के अध्यक्ष को सरजाम कहा जाता था, ठीक है दोस्तों। शिवाजी के समुद्र बेड़े का केंद्र था? सही जवाब है दोस्तों कोलाबा। शिवाजी के बाद मराठा छत्रपति कौन हुआ? सही जवाब है दोस्तों साहू। 1580 से लगाकर 1589 तक साहू रहा था, फिर 89 से 900 तक राजाराम रहा, फिर 1579 से लगाकर 1689 से लगाकर 1700 तक राजाराम रहा, 1700 से 1707 तक ताराबाई रही थी, ठीक है दोस्तों। औरंगजेब का विद्रोही पुत्र अकबर निम्नलिखित में से किस मराठा शासन में सहायता मांगने आया था? सही जवाब है दोस्तों साहू जी। शिवाजी के 1679 में किसके द्वारा विस्तृत भू सर्वेक्षण करवाया था? सही जवाब है अन्नाजी दत्तो। शिवाजी की डेथ 1680 में हुई थी, 1627 से 1680 तक जिंदा रहे थे, मरने से एक साल पहले उन्होंने भूमि का विस्तृत भू सर्वेक्षण करवाया था अन्नाजी दत्तो के नेतृत्व में। अब क्वेश्चन है दोस्तों कुछ, 1750 में सिंगोला की समझौता किसके मध्य हुआ था? पेशवा बालाजी बाजीराव और राम राय के बीच में, राम राजा के बीच में, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ था कि इसमें फिक्स कर दिया था कि
अब जो मराठा साम्राज्य में प्रमुख होगा वो पेशवा होगा। अब राजा का प्रभाव बहुत ही क्षीण हो चुका था, वह नाम मात्र का रह गया था और पूना प्रशासनिक केंद्र बन चुका था जो कि जहां पर पेशवा बैठता था। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक के अभियान। ठीक है दोस्तों, शिवाजी के समय अष्टप्रधान कहा जाता था आठ मंत्रियों की परिषद, जो हम पहले प्रश्न में चर्चा कर चुके हैं। मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था? सही जवाब है देवगिरी का यादव वंश। उसके बाद में दोस्तों ये, और मैं आपको बता दूं, मराठा है वो दोस्तों मेवाड़ राज्य से संबंधित है, जबकि उनकी ये देवगिरी में गए थे, फिर अहमदनगर और फिर बीजापुर राज्य, यहाँ पे उन्होंने प्रशासनिक कार्य किया था। और इन शिवाजी के जो पिता है शाहजी भोसले, वो बीजापुर में ही कार्य करते थे। चौथ क्या था दोस्तों? चौथ पड़ोसी राज्य पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो सैन्य सरदार थे, विश्वासराव और सदाशिवराव भाऊ। 15 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजित हुआ था। नेतृत्व था विश्वास राव के पास, लेकिन वास्तविक सेनापति था सदाशिवराव भाऊ। मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, औरंगजेब के हिंदू विरोधी नीति, महाराष्ट्र धर्म सुधार का प्रभाव और शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व। शिवाजी के पिता का नाम था दोस्तों शाहजी भोसले। इनको ये बीजापुर की सेवा में थे और इनको कर्नाटक की जागीर मिली थी। शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई था। समंत गुरु रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे और इनकी किताब का नाम है दासबोध। दादा कौंडदेव शिवाजी के संरक्षक थे। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला थी ताराबाई, जो कि दोस्तों राजा राम की पत्नी थी। राजा राम 1689 से 1700 तक मराठों पर शासन किया था, का वो राजा था। उसके बाद में 1700 से लगाकर 1707 में, जब तक शाहू मुगलों की कैद से छूटकर वापस नहीं आया, तब तक 1700 लगा के 1707 तक औरंगजेब का बहुत ही ताकतवर सामना किया था ताराबाई ने, और मराठों के बहुत सारे दुर्ग को वापस जीत लिया था। किस लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? सही जवाब है दोस्तों बाजीराव प्रथम को। बाजीराव प्रथम शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्धपति, हिंदू पद पातशाही, इनका भी उपाधि धारण करने वाले व्यक्ति थे। इन्होंने कहा था इनका समय है 1720 से लगाकर 1740। ठीक है दोस्तों, 1720 से 1740 इन्होंने कहा था कि आओ हम तने पर प्रहार करते हैं, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएगी। वह अंतिम छत्रपति शिवाजी जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया, जिसके बाद में मराठा छत्रपति का नाम मात्र के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई। सही जवाब है साहू प्रथम। साहू प्रथम 1689 में दोस्तों मुगलों की कैद में चले गए थे। इनके पिता संभाजी को मार डाला था और साहू और उसकी माता येशुबाई को गिरफ्तार कर लिया गया था 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र के द्वारा साहू को छोड़ दिया गया था, तो साहू दोस्तों मराठों के पास आया और स्वयं को राजा बनाने के लिए कहा, लेकिन ताराबाई ने शिवाजी द्वितीय को राजा बना दिया। तब साहू और ताराबाई के मध्य खेड़ा का युद्ध हुआ था, जिसमें साहू विजय हुआ और उसे गद्दी मिल गई। ये निसंतान था। 1749 में इनकी डेथ हो गई थी। मरने से पहले उसने ताराबाई के पोते को, साहू दित्य को दोस्तों अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी प्रारंभ हुआ? सही जवाब है बालाजी बाजीराव। ठीक है दोस्तों, बाजीराव प्रथम का बेटा बालाजी बाजीराव 1740 से 1761, ये पानीपत के तृतीय युद्ध को आघात सहन नहीं कर सका और इसकी डेथ हो गई। मौकासा, जागीर, संजाम किस प्रकार के भूस्थान के लिए प्रयुक्त किया जाता? सही जवाब है दोस्तों सैनिक सेवाओं के बदले दी जाने वाली मराठा पेशवाओं को जो भूमि दी जाती थी उसको बोलते थे मौकास। ठीक है दोस्तों, ये चौथ के चार भाग थे। चौथ के चार भाग, पहला दिया जाता था बबली, ठीक है, उसके बाद में दिया जाता था मौकास, और
दोस्तों तीसरा है सहोत्र, जो सचिव को दिया जाता था, और 6%। और फिर है दोस्तों नाड़गुंडा, जो 3% होता था। ये चौथ के सभी भाग है। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत तो दोस्तों भू राजस्व था, लेकिन ये सेना के देखभाल के लिए कम पड़ता था। इसलिए शिवाजी ने दो प्रकार के टैक्स और लिए, सरदेशमुखी और चौथ। चौथ ली जाती थी दूसरों से, जबकि सरदेशमुखी उसके अपने राज्य से ही ली जाती थी। शिवाजी अपने आप को कहते थे हम यहाँ के परंपरागत देशमुख है, इसलिए हम यहाँ से 1/10 सरदेशमुखी टैक्स लेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए सेना भी रखी और अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली में दीवा ने आपकी छत से चांदी निकलवा दी? सही जवाब है दोस्तों सदाशिवराव भाऊ, बालाजी बाजीराव के समय। किस मराठा राज्य ने सबसे अंत में अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार की थी? होलकर बहुत ही बेस्ट, बहुत ही ताकतवर था ये, और अंतिम में जो युद्ध लड़ा गया था वो जो दोस्तों मेहंदी का युद्ध था, और जो मंदसौर की संधि की गई थी वो अंतिम की गई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775-82, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803-6, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18। ठीक है दोस्तों, तो शिवाजी के बाद किसने गुरुला युद्ध का संचालन किया था? तो ये इसका उत्तर है दोस्तों ये बालाजी बाजीराव, ये सॉरी बाजीराव प्रथम है, ये थोड़ा उत्तर ये गलत है। ठीक है, ये बालाजी बाजीराव है इसका उत्तर। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों इसका बालाजी बाजीराव। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण की थी? जून 1674 में। शिवाजी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक कराया था? पहली बार कराया था विश्वेश्वर गंगा भट्ट ने, ये बनारस के थे। दो बार हुआ था इनका अभिषेक। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी 1674 में। ठीक है, इनका राज्याभिषेक भी यहीं पर हुआ था। ग्वालियर राज्य की स्थापना बाजीराव सिंधिया ने की थी, सिंधिया है वो ग्वालियर में रहते थे। किस एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था? सही जवाब है काशीराज पंडित ने। ठीक है दोस्तों, शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकारों का सही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों सही है सिंहगढ़ और कोडाना सबसे पहले, उसके बाद में तोरण, ये पहला दुर्ग है सिंहगढ़ या कोडाना। ठीक है दोस्तों, ये पहला है, उसके बाद में है तोरण, पुरंदर और रायगढ़। ये पूरा इसका क्रम देख लेना आप दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको देखेंगे तो दोस्तों 1643 में सिंहगढ़ का किला जीता गया था, 1643 में। ठीक है, फिर 1646, उसके बाद में 1649 में फिर कंप्लीटली सब किले जीते गए थे। वो कौन सा सेनानायक है जिसने बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लाने के लिए कहा था? सही जवाब है अफजल का। और दोस्तों शाइस्ता खां भेजा गया था औरंगजेब के द्वारा, जो उनका मामा ही था। ठीक है दोस्तों, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद था? वो है आगरा में के जयपुर दुर्ग में। ठीक है, जयपुर भवन में। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में 1674 में। शिवाजी का अष्टप्रधान जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था, उसका सही जवाब है सुमंत या दबीर। ठीक है दोस्तों, सुमंत या दबीर। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? सही जवाब है दोस्तों औरंगजेब ने। मराठा पैदल सेना में एक नायक के दिन कितने पायक या पैदल सैनिक होते थे? सही जवाब है दोस्तों 9। ये 9 और 10 भी होते थे दोस्तों, ये ध्यान रखना। ठीक है, 9 और 10 ऑथेंटिक है, 9 यहाँ पर दिए हुए। पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच पेशवा बाजीराव, ठीक है बालाजी बाजीराव, ठीक है पेशवा बालाजी बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, सही जवाब है बालाजी बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे जीजाबाई अपनी माता से। किस मुगल सूबेदार ने दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया? सही जवाब है राजा जय सिंह ने। और दोस्तों जून 1676 में पुरंदर की संधि हुई थी। ठीक है दोस्तों, जून 1676 जिसमें 23 किले मुगलों को सौंप दिए गए थे और 12 किले केवल शिवाजी ने अपने पास रखे थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 12 किलो की आय थी 1 लाख रुपये और
जो दोस्तों 23 किलो की जो आय थी वो थी 4 लाख हूण। शिवाजी के राजनीतिक गुरु संरक्षक थे दादाजी कौंडदेव। सरजामी प्रथा संबंधित थी मराठों के भू राजस्व व्यवस्था से, ठीक है दोस्तों, जिसमें मराठे जो पेशवा जो सेनानायक होते थे वो जो उनको वेतन दिया जाता था वो सरजामी के अंतर्गत दिया जाता था। मराठी काल में स्थायी घुड़सवार सेना कहलाता था दोस्तों पागा या बरगे, ठीक है, और अस्थायी कहलाती थी सिंहल द्वार। इनको पागा या बरगीर को जो घोड़े और अस्त्र शस्त्र सरकार खुद देती थी, राज्य खुद देती थी, जबकि सिलेदार होते थे दोस्तों वो स्वयं ही घोड़े और अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था करते थे। मराठा घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन 25 घुड़सवार थे। सर नौबत का अर्थ होता है दोस्तों सेनापति। अब दोस्तों इसके आप पहला इसका टेस्ट लीजिए, किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी, साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी हुआ। मैं आपको हिंट दे देता हूं, 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध के समय कौन सा था, और इसके आंसर आपको नीचे मिल जाएंगे, पहले आपको टेस्ट देना है। मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना व अस्थायी घुड़सवार सेना क्या कहलाती थी, इसका उत्तर देना है, ठीक है दोस्तों। मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था, तो इसका भी मैंने बता दिया आपको, आपको बताना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसने कहा कि मराठा का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है दोस्तों, अब इसमें आपको बताना है कि इसका कौन सा उत्तर है, तो सही जवाब ठीक है आप देख सकते हो। शिवाजी के अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था, तो ठीक है इसका भी आप उत्तर आपको देना है और आप अभी भी देख सकते हो। किसने दोस्तों प्रतिनिधि पद का सृजन किया था, इसने कहा था नहीं मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा, मैं अपने भाई का प्रतिनिधि हूँ, ठीक है, तो आपको उत्तर बताना है। शिवाजी के समकालीन मराठा संत का नाम बताया, मैं हिंट दे देता हूँ, उसने शिवाजी के विपुल उपहारों को छोड़ दिया था, ठीक है, उसका उत्तर बताना है, और उन्होंने बारकरी पंथ की भी स्थापना की थी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध व तृतीय आंग्ल मराठा के समय मराठा पेशवा कौन से थे, तो इसका दोस्तों उत्तर आपको बताना है, ठीक है दोस्तों, तो इसका आपको उत्तर बताना है। सही जवाब है किस मुगल बादशाह ने मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1633 में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा के सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश किया, तो दोस्तों इसका उत्तर आपको बताना है कि 1737 में। पहली बात तो आप ये बता दीजिए कि उस समय कौन सा पेशवा था, ठीक है दोस्तों। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि कौन सी थी, मैंने आपको हंट दे चुका है, सबसे ज्यादा ताकतवर होलकर था, होलकर के द्वारा संधि की गई थी, वो संधि कौन सी थी, बाकी सब संधियां उनके नाम पे की गई है। किसके दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवाने आम के छत से चांदी का दोस्तों निकलवा दी थी, उसका सही जवाब आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। मराठा घुड़सवार सेना एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे, तो इसका भी उत्तर आपको बताना है कि कौन सा है। किसने पानीपत के तृतीय युद्ध से संगठित मराठा सेना को नेतृत्व किया था, तो नेतृत्व किसने किया था जबकि वास्तविक सेनापति कौन था, यह भी आपको बताना है, ठीक है मैं आपको बता चुका हूँ। किसने अंतिम महान पेशवा कहा जाता है दोस्तों, ये आपको उत्तर बताना है। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था, ये भी आपको उत्तर बताना है, बहुत ही ठीक है इम्पोर्टेंट है। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बना दिया था, संभाजी, संभाजी के बाद कौन आया था, आपको ये पता होना चाहिए। 1680 से 1690 तक संभाजी थे, 1690 से 1700 तक कौन थे, ये आपको बताना है। दासबोध के रचयिता कौन थे, तो दासबोध के बच्चा मैंने बता दिया था, हिंट दे देता हूँ, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु दासबोध के रचयिता थे। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी क्या थी, जो उनको 1674 में जहाँ राज्य अभिषेक हुआ था, और ये किला भी उन्होंने कब जीता था, ये भी आपको बताना है। ग्वालियर राज्य की स्थापना दोस्तों किसने की थी, ये आपको बताना है, मैंने अभी बताया। एक इतिहासकार ने पानीपत की लड़ाई को सीधा देखा था, उसका नाम क्या है, ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा सेनानायक, तो जो बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में जिंदा या मुर्दा पकड़ लाने के लिए कहा था, ठीक है दोस्तों। शिवाजी के अष्टप्रधान में विदेशी मामला कौन देखता था, ठीक है दोस्तों ये आपको बताना है। मराठा पैदल सेना ने एक नायक के अधीन कितने होते थे, शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन कहां पर किया था, और दरिया सारंग के नेतृत्व में, और दूसरा नायक के नेतृत्व में कहां किया था, ठीक है इसका उत्तर आपको बताना है।
पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किसके किसके बीच में हुई थी, ठीक है, बालाजी बाजीराव, ये बाजीराव दित्य नहीं है दोस्तों, ये बालाजी बाजीराव है, ठीक है दोस्तों, ये बालाजी बाजीराव है, ठीक है। शिवाजी के सर्वाधिक प्रभावित थे किससे थे, अपनी माता, माता का नाम क्या है वो आपको बताना है। शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन से दोस्तों, जो इनके संरक्षक भी थे, पूना की जागीर की देखभाल वही करते थे। लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा कौन था 1803 और 6 में जो युद्ध हुआ था, द्वितीय मराठा युद्ध के समय कौन था दोस्तों, ये आपको बताना है। जो हिंट दे देता हूँ, ये दोस्तों रघुजी भोसले, जो सॉरी रघुजी सिंधिया जो है राघोबा का बेटा था। सरजामी प्रथा किससे संबंधित है, ये भी आपको उत्तर बताना है, ठीक है दोस्तों। सर नौबत क्या होता था, ये इसके उत्तर आपको 30 के 30 आपको उत्तर आपको चेक करने हैं कि आपने सही किए या नहीं किए हैं, और आपको कैसा लगा आपको बताना है। अगला टेस्ट में लूँगा भक्ति आंदोलन का हिस्ट्री, फर्स्ट ईयर के देने वाले जो भी है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आरएस प्री मेंस और इंटरव्यू इन तीनों चरणों में प्रत्येक प्रकार का गाइडेंस आपको मिलेगा इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसके साथ ही फर्स्ट ईयर के लिए हिस्ट्री और कॉलेज लेक्चरशिप के लिए भी हिस्ट्री का गाइडेंस आपको यहाँ प्रत्येक वीडियो में आपको मिलेगा। मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।